अफजलगढ़ में लगातार 36 घंटे से हो रही तेज बारिश आफत बन गई है। बारिश से अमला नदी व नचना नदी में उफान आने लगा। नगर में कुंदन कॉलोनी, सलावतनगर, डूरा कॉलोनी, सब्जी मंडी, जामा मस्जिद के आसपास में इलाके में पानी भर जाने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं इस तेज बारिश से एक प्राथमिक विद्यालय की दीवार भी गिर गई। गनीमत रही कि उस समय विद्यालय में छात्र उपस्थित नहीं थे। पानी और अधिक बढ़ने की संभावना के चलते दुकानदारों ने अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। हालांकि नचना नदी मौसमी नदी है, लेकिन मानसून के दौरान इसमें अधिक पानी आने से आसपास के क्षेत्र में जलभराव हो जाता है। तेज बारिश के दौरान अफजलगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर जाने से काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। उधर चेयरपर्सन पति जावेद विकार ने अपनी टीम को साथ लेकर नगर का भ्रमण कर बाढ़ग्रस्त मोहल्ले में पहुंचकर नगरवासियों से जानकारी ली। मैं डॉक्टर अरुण कुमार, सीएससी अफजलगढ़ से। यहाँ पे जब भी बारिश पड़ती है, यहाँ पे सीएससी के पूरे कैंपस में पानी भर जाता है और जो यहाँ के निवासी हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनको अपने सामान ऊपर रखने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत, ना खाना बन पाता है, ना नाश्ता, ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं। तो इसी कारण से ये पहले भी उनको बोला गया कि यहाँ पे नाली आइट साइड में जितनी भी नाली है उनका निकास हॉस्पिटल की तरफ ही है, और आस पास के जो गाँव हैं और जो ये हैं उनका पानी भी हॉस्पिटल के अंदर ही आ जाता है। मेरा नाम फरीद अहमद उर्फ नन्ने है, मैं डूडा कॉलोनी से बोल रहा हूँ। डूडा कॉलोनी का निवासी हूँ मैं। यहाँ दो दिन से बरसात हो रही है, कोई आना जाना बिल्कुल बंद है, कोई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। चेयरमैन साहब आए थे, बाकी कोई यहाँ नहीं आया है। मैं डीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो थोड़ा इसका देखें कि पानी कहाँ से आ रहा है। और समस्या का हमारी निस्तारण कराएं।